वेलकम और यूट्यूब चैनल पीके आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइस। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं जो मेरा स्किन पे देख पा रहे हैं आपका पतंजलि का अश्वशिला कैप्सूल है, ठीक है। पतंजलि का जो अश्वशिला कैप्सूल है इसके बारे में जानेंगे, इसकी इसकी क्या क्या बेनिफिट होती है और इसमें कौन कौन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई जाती है, इसके क्या फायदे हैं और क्या साइड इफेक्ट है, इसको कैसे यूज किया जाता है, तो पूरे विस्तार से अश्वशिला कैप्सूल के बारे में जानने वाले हैं जो पतंजलि के है, जो आपका यौन इच्छा कमजोरी को दूर करती है, आपका जोड़ों का दर्द हो गया, मूत्र रोग हो गया, धातु रोग हो गया आदि को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जाता है। तो पूरे विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग आज पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिएगा सर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पतंजलि का जो अश्वशिला जो कैप्सूल है इसके ग्रेडिएंट के बारे में, इसमें जो जड़ी बूटी डाली गई इसके बारे में जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें जो इसका मुख्य जो घटक इसमें डाली गई आपका अश्वगंधा अश्वगंधा सत्व इसमें डाला गया है, ठीक है। अश्वगंधा सत्व डाला गया आपका, शिलाजीत आपका सत्व डाला गया है, इत्यादि को मिलाकर इस कैप्सूल को बनाया जाता है, जो आपका बना बनाया किसी भी पतंजलि का स्टोर में कैप्सूल आपको मिल जाती है, पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के फायदे के बारे में पूरे विस्तार से। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए गाइस सब जानते हैं पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के फायदे के बारे में पूरे विस्तार से। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो कैप्सूल है आपका, इसकी जो फायदे होते हैं, ये थकान को दूर करती है, ठीक है। इस कैप्सूल का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका थकान को दूर करती है और आपका तनाव हो गया, यौन दुलाता हो गया, आपका अस्थमा हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, ठीक है, आपका मधुमेह हो गया और आपका धातु रोग हो गया, ठीक है, आपका मूत्र विकार तथा शारीरिक दुबलाता में ये कैप्सूल काफ़ी लाभदायक होती है, ठीक है। इसका सेवन से आपका यौन विकारों को दूर करने के लिए निरपद एवं प्रभावशाली औषधि है। इसमें जो उपस्थित आप जो आपका सुगंधा जो डाला गया है इसका काम क्या है, ठीक है। तो सुगंधा का काम है आपका थकान को दूर करती है तथा शिलाजीत का जो काम है, इसमें जो शिलाजीत आपका डाली गई, शिलाजीत का आपका सुकर्णु धातु का पोषण करता है, मधुमेह तथा यौन दुबलता को दूर करती है, जीवन शक्ति का संचार करता है, ठीक है। इसमें जो दो गुणों क्रियन डाली गई है काफ़ी लाभदायक होती है, ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो शारीरिक कमजोरी को वगैरह को भी ठीक करती है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के सेवन विधि के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में और इसकी एमआरपी के बारे में, ठीक है। ये जो कैप्सूल है एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा इसका बनाया जाता है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी इसका प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात करें दोस्तों, ये जो कैप्सूल इसमें आपका दो पत्ता एक डब्बे में आपका दो पत्ता रहता है, एक पत्ते में आपका 10 कैप्सूल रहती है, ठीक है। इसकी जो एमआरपी होती है आपका एक डब्बे की जो एमआरपी होती है आपका 70 रुपये में आपको दो पत्ता मिल जाती है, जो पतंजलि का स्टोर से आप लेके अपने डॉक्टर या वैद्य के सलाह के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी का, तो इसकी जो एमआरपी होती है आपका 70 रुपये इसकी एमआरपी होती है। अब बात करते हैं इसकी सेवन विधि, इसकी डोज के बारे में, आप लोग इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो डोज होती है आपका 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ इसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार भोजन के उपरांत इसको सेवन करना चाहिए, ठीक है। यह पानी के साथ अभी इसको आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर और वैद्य की सलाह जरूर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो कैप्सूल है उम्र के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है और रोगों के अनुसार इसको प्रयोग करवा जाती है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से उपयोग नहीं करना चाहिए। बात करें दोस्तों ये जो कैप्सूल है इसकी कितने दिन में आपको असर देखने को मिलता है, तो ये एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है, इसको अगर लगातार आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। करीब आप 1 महीना इसको उपयोग करने के बाद ही आपको कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हमारा ये वीडियो लास्ट होता है। अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।